जहां एक तरफ एक नहीं दो नहीं बल्कि 18 देश इजराइल के साथ आए, पर इजराइल का खास दोस्त भारत नहीं दिखा। जानेंगे 18 देशों ने क्या मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के रॉक से क्यों डर रहा है चाइना। क्या पाकिस्तानी परमाणु बमों को राख करने के लिए रॉक पर दाव ठोक रहा है भारत। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और एक दर्जन से अधिक अन्य देशों के नेताओं ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान में हमास से अपने पास मौजूद कई बंधकों को रिहा करने का अनुरोध किया। नेताओं ने कहा कि हम गाजा में 200 दिनों से अधिक समय से हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों की तत्काल रिहाई का आह्वान करते हैं, उनमें हमारे अपने नागरिक भी शामिल हैं। 18 देशों के नेताओं ने हमास से बंधकों को छोड़ने के लिए कहा। इन देशों के नेताओं का कहना है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि बंधकों को रिहा करने के समझौते से गाजा में तत्काल और दीर्घकालिक युद्ध विराम आएगा, जिससे पूरे गाजा में अतिरिक्त आवश्यक मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी और शत्रुता का विश्वसनीय अंत होगा। हम अपने लोगों को घर लाने के लिए चल रहे मध्यस्थता प्रयासों का पुरजोर समर्थन करते हैं। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों वाले 18 देशों के नेताओं के एक संयुक्त बयान में आतंकवादी समूह से उन्हें तुरंत गाजा से रिहा करने का आह्वान किया, उसके तुरंत बाद ही हमास के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी दबावों का कोई मूल्य नहीं है। हमास तेल अवीव के साथ किसी भी बंधक कैदी समझौते के बदले में गाजा के खिलाफ इजराइल के चल रहे हमले को अस्थायी रूप से समाप्त करने की मांग कर रहा है। जो 18 देश हैं, उन 18 देशों में कौन कौन है जिन्होंने साइन किया है? एक है अर्जेंटीना, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राजील, चौथा बुल्गारिया, पांचवा कनाडा, छठा कोलंबिया, सातवां डेनमार्क, आठवां फ्रांस, नौवां जर्मनी, दसवां हंगरी, ग्यारहवां पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, स्पेन, थाईलैंड, ब्रिटेन और यूके। अमेरिका ने इस लिस्ट में इजराइल का नाम शामिल नहीं किया था। बाइडेन का मकसद हमास पर दबाव बनाने का था कि देखो इजराइल को छोड़कर भी कितने देश हमारे साथ हैं। दूसरी बात, इसने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की ताकत अन्य देशों को दिखाना भी था। तीसरी बात यह है कि इसमें वो देश भी शामिल हैं जिनके नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है या बनाया था। चौथी बात, इसमें भारत का नाम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका उन्हीं लोगों के नेताओं को साथ लाना चाहता था जो पूरी तरीके से हमास के विरोध में है। भारत का रुख भले ही इजराइल के साथ हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान भारत ने नहीं दिया है, इससे लगे कि वो खुले तौर पर हमास का कट्टर विरोधी है। भारत कभी भी किसी अन्य देशों के मामले में खुले तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि अन्य देश भारत को नुकसान न पहुंचा रहे हो। ये भारत की अभी तक की विदेश नीति रही है। हमास ने 7 अक्टूबर को एक चौंकाने वाले हमले के दौरान इजराइल के कई सैनिकों नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद इजराइल और हमास के बीच अब तक का सबसे भयंकर जंग छिड़ गया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी समूह हमास को खत्म करने की कसम खा ली है, तभी से जंग जारी है जिसमें 34,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल का अनुमान है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान अपहरित किए गए लगभग 250 में से 129 लोग गाजा में रह गए थे, जिनमें 34 लोग शामिल हैं जिनके बारे में सेना का कहना है कि वो मर चुके हैं। आधिकारिक इजरायली आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है कि हमास के हमले में 1170 लोगों की मौत हुई। हमास द्वारा संचालित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में 6 महीने से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध के दौरान गाजा में करीब 34,000 लोग मारे गए हैं। खैर, जहां एक तरफ इजराइल के लिए ये स्थिति है, तो वहीं यही इजराइल भारत की एक बहुत बड़ी मदद कर रहा है। भारत ने हाल ही में हवा से सतह पर मार करने वाली इजरायली बैलिस्टिक मिसाइल रॉक का परीक्षण किया है। अब तक भारत रूस से बड़े पैमाने में मिसाइलें खरीद रहा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु जखीरे के खिलाफ काउंटर फोर्स रणनीति के तहत इस इजरायली ब्रह्मास्त्र पर दाव लगाया है। बताया जा रहा है कि भारत
ने अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की मदद से इजराइल के क्रिस्टल मेज 2 या रॉक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण को अंडमान निकोबार में अंजाम दिया गया, जहां इन दिनों चीन ने नजर गड़ा रखी है। रॉक मिसाइल को इजराइल ने किसी हाई वैल्यू टारगेट को 250 किलोमीटर दूर से तबाह करने के लिए बनाया है। ये मिसाइल GPS पर रोक वाले माहौल में भी सफलतापूर्वक अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। यही नहीं, अगर दुश्मन ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है तो भी ये मिसाइल अपने लक्ष्य को राख में बदल देती है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस परीक्षण से साफ हो गया है कि भारत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत इस मिसाइल का स्वदेशी उत्पादन करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल ने इस महीने रॉक मिसाइल का ही इस्तेमाल ईरान के खिलाफ जवाबी हमले के लिए किया था। इजरायली कंपनी राफेल के मुताबिक रॉक विस्तारित मारक क्षमता वाली एक अगली पीढ़ी की एयर टू सरफेस मिसाइल है। इस मिसाइल को किसी हाई वैल्यू टारगेट, फिर चाहे वो कोई ठिकाना हो या चलता फिरता लक्ष्य हो, अंडरग्राउंड हो या चौतरफा किलेबंदी से लैस ठिकाना हो, यह मिसाइल GPS बैन के बाद भी सटीक हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल में किसी ठिकाने के अंदर घुसकर तबाही मचाने या फिर वॉरहेड के विस्फोट, दोनों की क्षमता है। रॉक्स में उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल ने किया है जो स्पाइस बम में किया है, जिसे भारत पहले भी इस्तेमाल कर चुका है। इस मिसाइल को दागने से पहले पायलट लक्ष्य के बारे में हर तरह की जानकारी डाल देता है। रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से परंपरागत बॉम्बर अब बेकार होते जा रहे हैं, लेकिन अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए तो बॉम्बर बिना दुश्मन की मिसाइल की रेंज में आए दूर से ही तबाही मचाने में सक्षम है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के पहले हमला करने पर जवाबी हमले पर किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि काउंटर फोर्स टारगेटिंग का उद्देश्य सीमित परमाणु युद्ध के बीच दुश्मन के सैन्य ठिकानों को तबाह करना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने रणनीतिक परमाणु बम बना लिया है, जिससे भारत रणनीतिक दुविधा में आ गया है। भारत ने पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति अपना रखी है, लेकिन अगर पाकिस्तान रणनीतिक परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तब क्या होगा। इसी वजह से उन्होंने भारत को काउंटर फोर्स क्षमता विकसित करने की सलाह दी, ताकि पाकिस्तान के परमाणु क्षमता को ही तबाह किया जा सके, जिससे वो भारत पर हमला ही नहीं कर पाएगा। इसी वजह से भारत ने रॉक मिसाइल को इजराइल से खरीदा है और अब इसे बड़े पैमाने पर भारत के अंदर बनाया जा रहा है, ताकि कल को अगर इस तरीके का सीन पैदा हो जाता है तो भारत के हाथ में चीजें हो। आए दिन ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु बमों की बहुत बार धमकी दे चुका है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये बहुत ही बढ़िया और एक बहुत बड़ा जवाब है। लास्ट भी किसी का इस्तेमाल करके एक तबाही मचा दी है ईरान ने, और ऐसे में यह हथियार पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के खिलाफ भारत के सबसे बड़े काम में आ सकता है। पिछली बार जो दिखाया गया उसमें हमने देखा कि इजराइल के इस रॉक मिसाइल ने कथित तौर पर S-300 जो डिफेंस सिस्टम था ईरान का, उसको ही तबाह कर दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये एक बहुत ही बढ़िया मूव है भारत का। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।